जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत, बहुत आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक छोटा सा आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि शादी का शुभ अवसर है। अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से लोगों की अखाती जभी गई, उस पर भी बात है। बहुत से की तारीख होगी 29 तारीख हो सकती है, 2 तारीख, 5 तारीख, 28 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख या अन्य कोई सी भी तारीख हो सकती है। तो हम आज एक यूनिक टॉपिक पर बात करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से मेरी बातों को सुने। पहली बात है कि इस लॉकडाउन में दोस्तों, अगर आपका विवाह पहले से निकल चुका है तो आप पूरी कोशिश करें इस विवाह को कर लें। चाहे आप ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन जैसे कि आजकल हो रहा है उस तरह से शादी लगा लीजिएगा, या वर या वधु पक्ष के एक एक सदस्य जो आकर विवाह कर ले। क्योंकि समाज में जो एक रूढ़िवादिता है, जो हमारी बहुत खर्चा करने की, जो जिसे फिजूल खर्चे की श्रेणी में रखता हूँ, वो हमारे देश के ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं और बहुत से लोग गरीब भी हैं, तो इस शादी के बोझ से वो बहुत ज़्यादा कई दिनों तक उन्हें जूझना पड़ता है। कई लोगों पर बहुत कर्ज हो जाता है और बहुत से लोग लड़की की, लड़के की विवाह में बहुत खर्च होने से उनका जीवन जो है वो तनाव में आ जाएगा। और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक जो तंगी है वो आगामी दिनों में बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए ऐसा कोई भी कदम आप मत उठाएं कि जिससे आपको आर्थिक रूप से जूझना पड़े। उसका सॉल्यूशन जो यही है कि आप जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल शादी कर ले। और खासकर मैं दूल्हा और दुल्हन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कोई भी, तो वो अपने घर वालों को मनाए कि ठीक है, हम सब लॉकडाउन और सब चीज़ें सामान्य होगी तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम दे देंगे, भोजन करवा देंगे या जिस प्रकार से पार्टी देते हैं वो टेस्ट दे देंगे। लेकिन अभी ये जो अवसर है इसे मत छोड़िएगा आप, क्योंकि आपके पास एक कहने के लिए चीज़ होगी कि लॉकडाउन था, महामारी थी और हमने ये विवाह कर लिया। तो लोग भी ऐसे भी इकट्ठा नहीं होते, लोग भी इसका समर्थन अभी कर रहे हैं। तो आप इस समय का सदुपयोग कर ले और विवाह कर ले। क्योंकि दोस्तों, मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति का ख्वाब होता है बहुत ज़ोरदार शादी हो, ये तमाम चीज़ें हो, लेकिन हालात अब वैसे नहीं है। हालातों के साथ समझौता करें और पहली प्राथमिकता विवाह को दें। जो तारीख अगर आपकी है आगामी दिनों में, उस दिन आप दो सदस्य मिलके या ऑनलाइन भी आजकल हो सकता है, लेकिन विवाह उसके बाद हम सात फेरे कर लेंगे। क्योंकि आप इन सभी चीज़ों से आप अपने एक बहुत बड़े आर्थिक जो चीज आर्थिक बोझ जो है, क्योंकि आगामी जो दिन होंगे उसमें आर्थिकता पर बहुत जोर दिया जाएगा, इसलिए जितना हो सके पैसा बचाए। खर्चे फिजूल अभी भी वक्त है, मत करिए, पैसा बचाए, सुरक्षित रखे। देखिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये मुझे पूरा यकीन है, लेकिन भविष्य में हम और आप सामान्य इंसानों को आर्थिक रूप से जूझना पड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके पैसे बचाए। और ये एक शुभ अवसर है, तो शादी को आप सिंपल स्वीट करके बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप इस विचार से मेरे सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि हाँ, मैं ये सही बात कह रहा हूँ। जो भी आपकी राय हो खुलकर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उनका जीवन, मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ, उनका जीवन मंगलमय होगा और हर्ष उल्लास से भरा होगा और बाबा महाकाल की उन पर कृपा रहेगी। क्योंकि दोस्तों, ये सबसे अच्छा और कारगर उपाय और सही तरीका है, इसे फॉलो आपको करना होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।